नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार सामान्य ज्ञान के 200 क्वेश्चन के इस पार्ट वन सीरीज में। यह जो एपिसोड होगा यो बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो या जो बिहार एसआई होता है वह हो, कोई भी एग्जाम हो बिहार का, सभी के लिए उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट वन। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? ऑप्शन ए है नूरुल अनवार, ऑप्शन बी है नक्शे पायदार, ऑप्शन सी है मैखाम ए इल्हाम और ऑप्शन डी है सिराते मुस्तकीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा नूरुल अनवार जो है वो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। तो क्वेश्चन नंबर वन का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर दो है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है गोपालगंज, ऑप्शन बी है सुपौल, ऑप्शन सी है भागलपुर और ऑप्शन डी है मुंगेर। दोस्तों 65 बीपीएससी जो हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर दो का सही उत्तर हो जाएगा भीम बांध वन जीव अभयारण्य जो है वह मुंगेर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर दो का सही उत्तर हो जाएगा डी, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर तीन है, बिहार में कहां विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है बांका, ऑप्शन सी है सहरसा और ऑप्शन डी है पटना। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो भागलपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का सही उत्तर हो जाएगा ए, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर चार है, भोजपुरी भाषा की विश्व विख्यात कृति विदेशिया की रचयिता है? ऑप्शन ए है महेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है भिखारी ठाकुर और ऑप्शन डी है औद बिहारी सुमन। भोजपुरी भाषा की विश्व विख्यात कृति विदेशिया के लेखक हैं भिखारी ठाकुर। तो क्वेश्चन नंबर चार का सही उत्तर हो जाएगा सी, भिखारी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर पांच है, बिहार के किस कवि को मैथिली कोकिला कहा जाता है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी है भिखारी ठाकुर। मैथिली कोकिला जो है वो बिहार के विद्यापति को कहा जाता है, मैथिली कोकिल। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। तो क्वेश्चन नंबर पांच का सही उत्तर हो जाएगा ए, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर छह है, बिहार के किस जगह पर गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है चौसा और ऑप्शन डी है गोपालगंज। चौसा जो है वहां पे जो है गंगा बिहार में प्रवेश करती है मैदानी भागों में। तो क्वेश्चन नंबर छह का सही उत्तर हो जाएगा सी, चौसा। क्वेश्चन नंबर सात है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है दानापुर, ऑप्शन बी है पटना सिटी, ऑप्शन सी है बिहटा और ऑप्शन डी है सोनपुर। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर जो है दानापुर में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर सात का सही उत्तर हो जाएगा ए, दानापुर। क्वेश्चन नंबर आठ है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने सन 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है बिहारी न्यूज, ऑप्शन बी है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी है द इंडियन नेशन और ऑप्शन डी है दरभंगा टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर आठ का सही उत्तर जो है द इंडियन नेशन की शुरुआत जो है दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किया था। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार था। तो क्वेश्चन नंबर आठ का सही उत्तर हो जाएगा सी, द इंडियन नेशन। क्वेश्चन नंबर नौ है, बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बरौनी, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है डालमिया नगर में। तो बिहार में सीमेंट का कारखाना जो है वह डालमिया नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर नौ का सही उत्तर हो जाएगा डी, डालमिया नगर में। क्वेश्चन नंबर दस है, बिहार का सर्वाधिक पुराना उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है जूट उद्योग, ऑप्शन सी है कपड़ा उद्योग और ऑप्शन डी है चमड़ा उद्योग। बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 350 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 475 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 450 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 445 किलोमीटर। गंगा नदी की बिहार में जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है हाजीपुर, ऑप्शन सी है सहरसा और ऑप्शन डी है छपरा। बिहार में प्लाईवुड उद्योग जो है वो हाजीपुर में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1922 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1923 ईस्वी में। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना 1921 में स्थापित हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी 1921 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में वनस्पति तेल बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भागलपुर एवं बरौनी, ऑप्शन बी है गोपालगंज एवं सिवान, ऑप्शन सी है पटना एवं औरंगाबाद और ऑप्शन डी है पटना एवं सहरसा। तो बिहार में वनस्पति तेल बनाने का कारखाना जो है वो पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है ONGC और ऑप्शन डी है भारतीय तेल निगम, इन दिस मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी भारतीय तेल निगम। तो दोस्तों ये रहा बिहार पर आधारित टॉप 15 जीके के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है डेली 7:30 बजे जो है टारगेट विद नीतीश से जुड़िए और इसमें क्वेश्चन जितने भी पूछे जा रहे हैं उसको हल करने की कोशिश कीजिए। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।